Good morning, friends. Hope you all are well. Actually, today our destination is Nasik, जो बहुत दिन से प्लान था MTDC का ग्रेप पार्क रिसोर्ट. तो आज जा रहे तो वहाँ पे जाके मैं आपको MTDC का ग्रेप पार्क रिसोर्ट के बारे में डिटेल्स देने वाली हूँ. तो साथ में बने रहना. मुंबई से नासिक ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है. हम लोग कासाराघाट होके जाएंगे. सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कासाराघाट आ गए. कासाराघाट के ऊपर से जा रहे हैं अभी. यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है क्या? नहीं ना, ट्रैफिक नहीं है. देख सकते हो रोड बहुत अच्छा है. दोनों साइड में आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा. आप लोगों को थोड़ा कासाराघाट में ट्रैफिक मिल सकता है, पर फ्रेंड्स थोड़ा सेफ ड्राइव करना. और ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, तो बी केयरफुल. कासाराघाट में एक साइड में पहाड़ है और दूसरा साइड में डीप खाद है, तो ड्राइविंग इज वेरी एडवेंचरस. गाड़ी पे लेके जा रहे और जिसका नाम है सोनू मोनू. मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया. नासिक ओनली 23 किलोमीटर है, पर अपना डेस्टिनेशन अभी 33 दिखा रहे हैं. गुड आफ्टरनून. हम लोग आज है नासिक में MTDC रिसोर्ट में. अभी लंच का टाइम है, इसके लिए हम लोग आए हैं. MTDC के बहुत नज़दीक है, दालचीनी करके एक रेस्टोरेंट है, देखो पीछे. तो यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, एम्पल कार पार्किंग एरिया भी है.
एक्चुअली आज ना नासिक में होली है. मीन्स हम लोगों ने पूछा कि आज क्यों होली खेल रहे हैं, तो दे टोल्ड अस कि जो नॉर्मल अपना होली का डे होता है उसका 5 डेज बाद इन लोगों का होली चालू होता है, तो दे आर सेलिब्रेटिंग होली ऑल्सो. तो चलो अंदर जाके मैं एम्बियंस दिखाती हूँ आपको कैसा है. तो मैं अभी एंट्री कर रही हूँ रेस्टोरेंट में. ये इनका देखो बहुत ही अच्छा है. मुंबई में ऐसा रेस्टोरेंट तो मिलना बहुत ही मुश्किल है. मीन्स आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा मुंबई से, थाना साइड या भाईनर साइड जाओगे तो ही मिलेगा. तो दिस इज द रेस्टोरेंट. इन द राइट साइड दे आर सेलिब्रेटिंग द होली. हेयर पिचकारी गुलाल वगैरह सब है. और इन लोगों का सिटिंग एरिया ऐसा है, एक एक सेपरेट छोटा छोटा देखो कॉटेज बैम्बू से बना हुआ है. तो हम लोग इसमें ही कोई किसी एक में बैठेंगे. तो फूड ऑर्डर करते हैं फिर मिलते हैं आपसे. पर आप अगर नासिक आए हो तो ट्राई करना ये रेस्टोरेंट में लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है. तो चलो फूड ऑर्डर करते हैं फिर आते हैं. सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू ना इन नासिक टुडे इज द होली, तो दे आर प्लेइंग द होली. यू कैन सी दैट वी ऑर्डर 2 चिकन थाली एंड द फूड इज लुकिंग गुड. एम्बियंस वाज सुपर्ब. लेट्स मी ट्राई द फूड. Yes, they are playing the होली. So friends, ambience is really awesome. मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, पर जाना तो पड़ेगा ही. देखो और people आ गए हैं यहाँ पे. Divya is here. Great Park Resort. 400 meters, Gangapur. That's a 400 meters. फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा. River crest stairs. बोलो. Friends, at last we are entering our destination, Grape Park Resort, MTDC. Yes, we entered MTDC's Grape Park Resort, Nasir. Lovely ambience. इट्स नेचर बहुत है यहाँ पे. मीन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो फ्रेंड्स देखो कैसा है एमटीडीसी का रिसोर्ट. आई एम गोइंग टू एंटर. The road is very narrow, na? Yeah, it's very narrow. Starting, yeah? It's not for the starting. The road is very, very narrow. But the nature, can you see the flower? Yes! It's amazing! Really, thanks to my husband. He planned and we came here for my daughter's vacation actually. My daughter's birthday coming in May 23rd. जो हम लोग हमेशा गोवा जाते हैं, but this time we are going to plan some other place. Yes. We don't know. MTDC is there. MTDC is there, my dear. Yes. We are going to enter. I'm so excited.
hi friends. So ultimately I entered in my room and it's amazing. It's Sears 4, room number 4. We booked Sears and you can see lots of villas over there. Yes, and before that I can show you Sears 1, 3, 2, 4. Four Sears is there. Before that, Cream Sun is there. Okay, so when you are going to enter from the reception, first Cream Sun is there, 7 Cream Sun room is there. After that, you will get 4 Sears room. So that is my room. I already entered. It's superb, dear. It's superb. So let me show my room. My daughter is sitting over there. Come, have a look. So friends, after entering the room, this is the first. In right side, you will get the washroom. And it's a lavish washroom, you can see. After that, you will get the wardrobe. You can keep your clothes, one locker. And this is a mirror. आपको सज धजने के लिए वाटर केटल है. नॉर्मल जो बेसिक चीज रहता है. ये टीवी है. आफ्टर दैट यस, दिस इज द वॉल. दिस इज वन स्मॉल सोफा. किंग साइज बेड इज ऑल्सो अवेलेबल. एसी डेफिनेटली. And my daughter is sitting there and she is so much excited. And the main thing is, this is the balcony from where you can enjoy your evening snacks. Can you see? Pool is just very, very close. And the dam. जहाँ पे आप लोगों को बोटिंग करने के लिए जाना है, आप लोग देख सकते हो. वो भी बहुत नजदीक है, वो व्यू भी आप लोग देख सकते हो. हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ शादी वगैरह हो रहा था यस्टरडे. इट वाज देयर. तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूल में एंजॉय करने के लिए. माय डॉटर इज सो मच एक्साइटेड टू गोइंग ओवर देयर. यस, एंड सिटिंग अरेंजमेंट इज मीन्स आपको अगर यहाँ पे बैठ के डिनर करना है तो इट्स क्वाइट स्पेसियस फॉर योर फैमिली. तो अब तक के लिए बाय बाय. मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे.
Hey friends, it's time to going for swimming. I wear the swimming costume. And चलो स्विमिंग पूल में जाके मिलते हैं. Bye bye. So friends, I came out from the pool. And the pool is really, it's awesome. And Debraj and Divya both are enjoying. You can see. अभी मैं देखो सनसेट भी हो गया है. पूल साइड में बैठ के हम लोग रूम के बालकनी में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं. एम्बियंस बहुत अच्छा है. अब देख सकते हो इवनिंग का जो एक नज़ारा है बहुत अच्छा लग रहा है. ट्रैंक्विलिटी बहुत मीन्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अपना घर होता तो कितना अच्छा लगता. बहुत अच्छा लग रहा है. ये बहुत सुकून मिल रहा है. सो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे मैंने पहले बताया हम लोग सबसे एंजॉय कर रहे थे. और यहाँ पे दो रूम है आजू बाजू में. एक पहले है क्रिम्सन और सेकेंड है सिराज. हम लोगों ने सिराज बुक किया है. सिराज का रूम थोड़ा स्पेशियस है क्रिम्सन से. तो आप लोग एमटीडीसी का और प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्रिम्सन से. वीकेंड का प्राइस अलग है और वीकडेज का प्राइस अलग है. मीन्स 1000 to 1500 का डिफरेंस रहता है. इट डिपेंड्स अप टू द आप कौन सा सीजन में आ रहे हो. कुछ जैसे होली का फेस्टिवल में थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप एमटीडीसी का साइट में जाके चेक कर सकते हो. हम लोगों को अराउंड 6000 के आसपास मिला. तो पर काफ़ी रिजनेबल है. हम लोगों को लग रहा था बहुत हायर साइड है पर काफ़ी रिजनेबल है क्योंकि सैटरडे संडे बहुत रश रहता है. इनका रूम खाली नहीं मिलता है. तो आप वेबसाइट में जाके चेक करो और आके एक बार डेफिनेटली विजिट करो क्योंकि मुंबई का जो बहुत क्राउड है वो हम लोगों को हर रोज अच्छा नहीं लगता है. थोड़ा एक दो दिन के लिए आपको बाहर आना है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई नासिक का ये एमटीडीसी का ग्रेट रिसोर्ट. और बोटिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो पर आपको मालूम है मैं नहीं कर रही हूँ. पर यू कैन एंजॉय. बोटिंग बहुत नज़दीक है. कल सुबह भी मैं आपको पूरा एमटीडीसी का टूर एक बार करवा के दिखाऊंगी कैसा है इनका पूरा प्रॉपर्टी. तो फ्रेंड्स, डिनर टाइम हो गया. हम लोगों ने डिनर ऑर्डर कर दिया था. तो फर्स्ट दे गेव अस द चिकन टिक्का. तो बोले कि पहले आप चिकन टिक्का खा लो. आफ्टर दैट योर फूड इज कमिंग विद इन 10 मिनट्स. तो खाने दो अब तक. तो आप बहुत डिलीशियस लग रहे हैं. बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है एंड आई एम रियली सो मच हंग्री. तो तब तक के लिए बाय बाय. बाकी खाना आने के बाद मैं दिखाती हूँ और क्या क्या ऑर्डर किया था मैंने. हाउ इट इज लवली ऑसम. सो थैंक्स. आवर मेन कोर्स ऑल्सो केम. वी ऑर्डर्ड cheese garlic naan. This is the cheese garlic naan and this is the butter chicken or this is the dal khichdi and this is the complimentary salad means onion tomato. Actually we taste the chicken tikka. It was awesome. एंड आई थिंक बाकी जो फूड है वो भी बहुत अच्छा होगा. तो कल सुबह मिलते हैं. अब तक के लिए बाय बाय.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। सुबह का 8 बज रहे हैं, हम सब रेडी हो गए। कल रात को नींद बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो अपना पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हम लोग एंटर कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, देखो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। ये चटनी है, पहले मैंने चटनी दिखा दिया, और फिर ये है सांबर, इडली, फिर ये है पोहा, कांदा पोहा। और यहाँ पे देखो ये जो सेक्शन है, एक्चुअली यहाँ पे दे आर मेकिंग द ढोसा, मसाला ढोसा, सादा ढोसा, जो भी चाहिए, ऑमलेट, तो दे विल प्रिपेयर इट। सो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जैम ब्रेड है, और फिर ब्रेड बटर है, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी है, शुगर है। एक्चुअली दिव्या ऑलरेडी स्टार्टेड, देखो उसने खाना भी चालू कर दिया। सी इज सो मच एक्साइटेड, एक्चुअली सी वॉज सो हंग्री। खा रही है तो बात भी नहीं कर सकती। और हम लोग सब लेके आए थोड़ा थोड़ा करके, इडली, पोहा, एक एक डोसा। एक्चुअली फ्रेंड्स, फूड इज सुपर्ब। इनका जो टी और कॉफ़ी है ये भी अच्छा लगा। मैंने बोला ना, जो लाइव सेक्शन था वहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑमलेट बना के दिया, सादा डोसा और मसाला डोसा दोनों बना के दिया। हम लोगों ने पहले कॉफ़ी पिया, फिर चाय लिया, जो एक्स्ट्रा शुगर चाहिए था वो ऐड कर लिया। रियली वी आर एंजॉइंग।
सो दैट वाज द डैम, गंगापुर डैम। दूर में आपको दिख रहा है वहाँ पे बोटिंग होता है, आपको टिकट लेना पड़ता है, फिर अंदर जाओ और जो बोट मीन स्पीड बोट है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोट है, टू टाइप्स, तो आप बुक कर सकते हो वहाँ पे। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया, नाउ इट्स 11:30। हम लोगों ने पपाया टीका काफ़ी एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा था और ब्रेकफास्ट भी कम्प्लीमेंटरी था, बहुत ही अच्छा था। मैंने आपको दिखाया क्या क्या था ब्रेकफास्ट में, तो अभी जाने का है, 11:30 हो गया है, नाउ आई हैव टू गो बैक टू मुंबई। तो एक दिन के लिए आप लोग आ सकते हो MTDCA रिसोर्ट में, मैंने सिराज का रूम बुक किया था, बहुत ही अच्छा था। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ब्रोतोतीस ब्लॉग कैसा लगा स्पेशली, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए गुड डे।